अच्छा नादिया, अब एक दो चीज़ें मैं तुम्हें बताता चलूं कि अब मैं यहाँ पर आया हूँ और किसी काम से आया हूँ। अभी तक मैंने बहुत सी चीज़ों को करने से रोका हुआ था, तो प्लीज़ वो काम नहीं करने हैं जो मैंने कहे थे। पर्दे चेंज नहीं करने हैं, वॉलपेपर नहीं लगाना है, फर्नीचर को नहीं हिलाना है, टेरेस पे पौधों को और नहीं लाना है, घर ओवरलोड लग रहा है। प्लीज़ इन तमाम चीज़ों के साथ, और किनों को बाहर नहीं खेलने देना है और किनों को होमवर्क भी करवाना है। मैं जा रहा हूँ मीटिंग पे, मुझे टेंशन नहीं लेना और तंग नहीं करना। गाड़ी आ गई है, आई एम लीविंग। सुन लिया? अस्सलाम वालेकुम अमीर उन्निसा, क्या हाल है तुम्हारा? खाने में क्या बनाओगी आज? खाने में क्या बताएं? आप बताएं। वो कह रहे आलू गोश्त बनाने के लिए। आलू गोश्त के साथ क्या बनाएंगे? हाँ प्यारी लगती हो तुम बहुत, क्या करो। थैंक यू। तुम प्यारी इतनी हो कि मैंने कहा वीडियो में तो आना चाहिए। क्या खाने हैं मीरू निशा? कल तुमने इतनी मिर्चें डाली है ना कोरमे में, जहरीला था ना। मिर्चें नहीं हम खाते, और परसों जो बिरयानी थी वो तुम्हारी घुल के खिचड़ी बन गई, बहुत नरम थी। अब नहीं करना, आज कुछ अच्छी चीज बना दो बगैर खराब किए प्लीज, ठीक है ना? आलू गोश्त में मिर्चें नहीं डालोगी, धनिया नहीं डालोगी, ठीक? अच्छा सा गला देना उसको और तेल कम। क्यों तुमने मुझे क्या करना है, वीडियो भेजनी है गंदी गंदी है? क्या करना है बस मुझे मेरी बेटी कह रही थी कि उसकी तस्वीरें भेजूंगी। हाय मिस सबके, हाँ वो मुझे वो सुबह वाला गुड मॉर्निंग गुड नाइट ना भेजना। नहीं नहीं मसला कोई नहीं है, पता क्या प्रॉब्लम होती है ना, स्पेस का मुझे इशू हो जाता है। इतनी क्यूट है हमारी अमीरन, देखो जरा सेल्फी नहीं बन सकती हमारी। हमने बड़ी कोशिश की कल कि मेरी और अमीरन निशा की सेल्फी बन जाए, नहीं बनी। आज मैं कुर्सी पे तुम्हें खड़ा करूंगी और उसको ना मेरे उसमें डाल दीजिएगा मोबाइल। आओ जरा ना, तो बात सेल्फी प्यारी सी बनाए, खड़ी हो जाओ। ओहो सामान आ गया, पैसे ने कहा घर में कुछ नहीं, नई चीज आनी चाहिए और मैं वादे पे कायम हूं। आ रिया टू मच बेलिंग। ओके फैसल ने कहा था घर में कोई नया सामान नहीं आना चाहिए, कोई एडिशन नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, मेरी टीम के लोग आ गए हैं, काम शुरू हो गया। ज्यादा सामान नहीं है, बस यही है थोड़ा सा। ज्यादा कहाँ है ये को डब्बे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये भाई ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये क्या है इतना भारी, इसके कुशन होंगे? खोल के लेके जाए, इधर पहले कचरा रख दें हम, हैं अलग रहे थर्मापोल निकला है, रिकॉर्डिंग पे काम आएगा। सामान आपको मैं दिखाऊंगी आज, सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल। आज की वीडियो में बता रहे हैं कि फैसल ने कहा था कोई सामान घर में नहीं आना चाहिए, फट रहे हैं कमरे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ नया सामान ना आए, पुराना सामान जाए और नया सामान आए। मैं ये कह रही हूँ कि नया सामान नहीं आना चाहिए, पुराना जाना चाहिए फिर नया आना चाहिए, नहीं रिप्लेस करें, दे दें, है ना? तो इस डब्बे में क्या है, आप डब्बे में क्या है? उसमें किनो है, इस डब्बे में क्या है नंबर 212, इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में क्या है, और उस डब्बे में उस थैले में क्या है प्लास्टिक में, जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं अभी डिलीवरी दे दूँ जरा, 8500। कोई डिस्काउंट है, आर्टिस्ट डिस्काउंट? नहीं नहीं है डिस्काउंट, फनकारों की कदर नहीं है इस मुल्क में, देख लूंगी। चलो सब्सक्राइब ही कर लें, वो भी चलेगा। ओके पब्लिक आप खोलें इसको, मैं पैसे अरेंज करती हूँ। मैं पहुंच गया एक सरप्राइज विजिट पे नादिया के घर के बाहर, और आए अब अंदर चल के देखते हैं कि वो क्या रहा है। और अब्बा को नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि अंदर क्या है, तो अभी मैं अंदर जा रहा हूं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और ये मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर है क्या। नादिया के कुछ बचपन के दोस्त भी हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ हैं, तो वो मेरे इस्तकबाल के लिए पहले से बाहर खड़े हुए हैं। तो आए मैं क्यों ना आपको नादिया के बचपन के दोस्तों से मिलवाऊं। ये है नादिया के बचपन के दोस्त, इनके क्लास फेलो थे और बाकी इनकी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर हैं। और नादिया की जो बेस्ट फ्रेंड है वो ये ए, ये ए, ये जंप किया है इन्होंने। अभी किसी को कुछ पता नहीं है
और मैं भी एंटर होने वाला हूँ और इस टोटल सरप्राइज विजिट है तो देखें। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ नादिया, मैंने जो काम किए हुए हैं ना, खुदा की कसम वो नहीं करने, मैं बता रहा हूँ, वेरी बैड। अगर घर में कोई चीज़ चेंज हुई, मैं घर से निकलता नहीं हूँ, कोई लगता नहीं है मैं अपने घर में वैसे एंटर कर रहा हूँ। हाँ, अंदर चल के देखते हैं, पहले अब्बा से मिलने, वो ना उनको पता चलता है मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बा, बिल्कुल ठीक हूँ अब्बा। कैसे हैं आप? ठीक हैं अब्बा, कैसे लगा आपको सरप्राइज? इट्स अ सरप्राइज, खैर खैरियत है जी। तो आप क्या कर रहे हैं अब्बा? बेटे कुछ नहीं, आज तो अभी जुमे की बस तैयारी करनी है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मैं देख रहा हूँ कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं अब्बा, बहुत जबरदस्त मैच लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इसने 5 के 5 विकेट, 5 आउट इंग्लैंड की टीम के। अच्छा 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 अच्छा, किसी ने नहीं लिया। अच्छा अच्छा, इसका नाम है नया, तो बस क्रिकेट का मैच है, अभी थोड़ी देर में मस्त तैयार होकर फिर इंशाल्लाह। अब लोगों ने मुझे वैसे डराया था, सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, सर्दी तो कोई भी नहीं है। नहीं आज सर्दी तो हो जाती है शाम, मैं तो टी शर्ट में उसे घूम रहा हूँ। आप तो है सर्दी वैसे, और हीटर वीटर तो चलने शुरू हो गए हैं जी, गीजर हीटर जी, तो लेकिन गैस का भी मसला है छोटा मोटा। हाँ आप बैठे अब्बा, और क्या कर रहे थे आप? ये तस्वीरें किसकी पड़ी हुई अब्बा? तस्वीरें बस पुरानी एल्बम मुझे अच्छा अच्छा मिल गई थी, अच्छा तो उसकी बहुत तस्वीरें हैं, सब बच्चों की, नादिया की खास तौर पे बहुत तस्वीरें हैं। अच्छा, अगर हो तो मुझे बताइएगा अब्बा जरा। ठीक है बेटा, मैंने जरा देखनी है उसकी तस्वीरें, मैं अभी आपको। आप बैठे ना, चल। अच्छा, what would you like to have? चाय, पानी? मैं अब्बा पीऊंगा गाजर का जूस। ओके, बिल्कुल ठीक जी, कि मैंने इतनी गाजरें यहाँ देखी हैं, फ्रेश गाजरें आई हुई हैं, नहीं है, मैंने कहा वो पियेंगे। और किनो और माल्टे भी फ्रेश आने शुरू हो गए, और वो हम ये नहीं कह सकते कि हमने किनो का जूस पीना, वो कहती है किनो का नहीं कहना, माल्टे का जूस। जी जी जी, प्लीज़ किन्नू को स्कूल भेजना और उसको पढ़ाना। लाडियाँ पढ़ाई अब हो गई ख़त्म, मैं बता रहा हूँ, अब टाइम आ गया कि उसको ठीक किया जाए। अब्बा बस मैं उसको कुछ काम कह के आऊँ कि जो उसने नहीं करना है वो ये है कि गेट चेंज नहीं करना घर का, ठीक, और घर का पेंट बाहर का चेंज नहीं करना। मतलब ये 2 दिन के काम के थे, मैं जब वापस जाता हूँ तो ये सब काम हो चुके होते हैं। पर्दे चेंज नहीं करने, बेडरूम का मतलब बेडशीट चेंज नहीं करना जी, और किचन के सारे बर्तन नहीं चेंज कर देने। मतलब उसको ये होता है मैं घर से निकलूँ नहीं और ये काम मिल जाता है। जी जी जी, ये काम सारे ना वो उसको मौका मिल जाता है। नहीं मना तो आप भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो जरा तलाश में रहती है जी। हाँ, मतलब गाड़ी ना बेच दे मेरे जाने तक, वापस आने तक, हो सकता है कि ऊपर भी छत के ऊपर एक और लेंटर डलवा के तीसरी मंजिल भी डलवा सकती है वो। और ये तो बड़े छोटे छोटे काम है, तो नहीं बेच सकती, सॉरी, वो प्यार नहीं बेचने देगा, वो कहता है जी माय बिग कार।
आप एक दिन भी बाहर हैं तो ये सब काम कर सकती है, वो एक और मंदिर डलवा सकती है छत पे, पेंट करा सकती है, बेडरूम चेंज करवा सकती है, किचन के बर्तन चेंज करा सकती है, फ्रिज ये काम मैंने अब ये स्टेटस को संभाल के रखा हुआ है, ये काम नहीं करने और वो हो जाते हैं ना? जी हाँ जी हाँ, जब मैं कहता ना कि व्हेनेवर आई से टेक ऑफ आई मीन लैंडिंग, तो ये इस तरह लैंडिंग समझती है वो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और प्लीज़ तीसरी मंजिल मत डलवाना लैंडर की, घर का गेट चेंज मत करवाना, गाड़ी मत बेचना और ये छोटे छोटे काम है जो मैंने मना किया। बेशक चेंज कर देना पौधे फूल जी वो बेशक, हाँ बेडशीट चेंज कर देना ठीक है, बेड सेट नहीं चेंज करना प्लीज़। और क्यान को लाडियाँ नहीं करनी, उसको वैसे सीरियसली उसको बैठ के आप पढ़ाएँ तो इससे पहले कि मैं आँख में टेस्ट लूँगा, वरना फिर आपको पता जब पढ़ाई पे बैठता है वो सो जाता है, लिखते लिखते सो जाता है। बहुत मजेदार उसकी वो वीडियो है जिसमें वो अपना होमवर्क भी कर रहा है और सो भी रहा है ऐसा। अब पहले टेरेस का कुछ ऐसे हाल था, हमने कहा था कि बाद में इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे, तो 2 साल हो गए हमें यहाँ शिफ्ट हुए हुए, टेरेस पे कोई काम कोई ख़र्चा ऐसा छुआ नहीं। मेरा एक पुराना सोफ़ा था वही चल रहा है। अब मैंने कहा कि सिर्फ ये जो क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है कीनू का या फुटबॉल ग्राउंड नहीं, अब ये बैठने की जगह होनी चाहिए। विंटर्स में राइट टाइम है कि टेरेस पे आप फ्रेंड्स को बुला के बैठें, खुद बैठें, म्यूज़िक लगाओ मज़े का, लाइट्स हों, तो डे और नाइट दोनों का इफेक्ट अच्छा क्रिएट करना है, प्लस प्राइवेसी। क्योंकि यहाँ जो हमारे आर्मी या एफओसी कॉलोनीज होती हैं, इन पे घरों में आप ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तो फेंस को मैं बड़ा नहीं कर सकती या ग्रिल को बड़ा नहीं कर सकती, मैं उसमें उसकी बजाय मैं प्लांट्स रख रही हूँ। और प्लांट्स ज़बरदस्त जो हैं अरेंज किए इस कंपनी ने, तो इन्होंने हमारे प्लांट्स अरेंज किए, इनको मैंने कॉन्टैक्ट किया, मैंने कभी मैंने दुकानों पर जाके नर्सरियों में ख्वार नहीं होना, उन्होंने आके यहाँ रेकी की और बहुत प्यारे प्लांट्स मेरे लिए यहाँ इन्होंने सेट किए। थैंक यू सो मच हमज़ा, टेरेस रिवैम्प होने वाला है। ऑल्सो मैं जब फर्नीचर सेलेक्ट कर रही थी फॉर सिटिंग एरिया हो ऑन द टेरेस वेरी इंपॉर्टेंट, तो इतने उफ मैं बताऊँ बोरिंग किस्म के डिज़ाइन थे, कोई टिपिकल गार्डन वाले ऐसी वाली चेयर में बंदा लेट जाता है, वो स्ट्राइप्स वाली अम्ब्रेला वाली, आई एम सिक ऑफ देम, आई वॉन्टेड समथिंग मोर क्रिएटिव इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए मैं बड़ा इसको ढूंढ रही थी और लाहौर में मुझे कंपनी मिली पाशियोस के नाम से, उनके मुझे डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे। पहले मैंने सोचा कि कुछ एल शेप या यू शेप कोई सीटर लूँ, 8, 9, 10 सीटर, फैसल सेड नो, छोटा सेटअप होना चाहिए ज़्यादा ताकि जगह ना ले, एल शेप्ड को यू शेप को फैसल ने कहा कि मूव करना बहुत मुश्किल होता है, तो गेट समथिंग सेपरेट 3 सीटर एंड 1 1 सीटर टाइप, एक सीटर मेरे पास पुराना पड़ा है। तो फिर मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और बहुत अच्छी सर्विस मिली, वहाँ उस्मान का मैं स्पेशली थैंक यू करूँगी, और 2 वीक्स में उन्होंने स्पेशल मेड टू ऑर्डर मेरा डिज़ाइन मुझे भेज दिया। प्लांट्स अच्छे बड़े साइज़ के प्यारे प्यारे बेस्ट पीसेस मुझे यहाँ भेजे हैं, साथ में प्लांटर्स जो पॉट्स हैं एंड विद ट्रीज, ताकि टाइल्स भी नहीं ना हो। हाय 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 बच्चा, कलर भी ऐसा ना डरा दिया, बकायदा डरा दिया। हाउ वाज योर एग्जाम? इट वाज गुड। अच्छा इधर मैं चीज़ दिखाऊँ? आई एम हंग्री। यू ऑलवेज हंग्री? नहीं मैं कोरमा खा रहा हूँ। बिरयानी कोरमा, जान के पास कोई दूसरी बात नहीं है। अजाने दो बेटा, घर की ब्यूटिफिकेशन में हिस्सा लो, देखो जरा है डर्ट। अच्छा कल इज़ इट कह रहा है, ये देखो। तो मैं देखिए पॉट्स भी कलर्ड बनाए, बिकॉज आई वॉन्टेड कलर ऑन माई टेरिस, कि मैंने कहा बालकनी में कलर होना चाहिए। तो ये पॉट्स वो टिपिकल लाल जो हर घर में होते हैं, या मिट्टी के कलर वाले या सीमेंट के कलर वाले, मैंने कहा नहीं चेंज करो। मूफी को क्या हो गया? मूफी हाँ जी, मूफी के बड़े प्यारे शॉट्स आते हैं। आई थिंक सबसे सबसे ज़्यादा जो ग्लैमरस वीडियो है ना, ये मेरे ख्याल मूफी और कूजी की बनती है। तो अब ये देखें कि नाउ वी हैव प्राइवेसी, यहाँ से जो लोग वॉक करके आ रहे हैं उनसे भी प्राइवेसी हो गई। यहाँ ये सिटिंग एरिया, ये गराज का टॉप हिस्सा था जिसको हमने टेरेस बना लिया। देखिए प्लांट पॉट्स एक्सपेंसिव भी नहीं है ज़्यादा, आई थिंक 300 का एक होगा गमला, आपको और सस्ता मिल जाएगा जी, मैं आपकी प्राइस को नहीं बीट कर सकती। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जगह डिफरेंट प्राइसेज होती हैं। अच्छा मेरे पास स्पेशल फेरी लाइट्स भी हैं जो मैं रात को लगाऊंगी, तो रात को ये और मैजिकल लगेगी जगह। हाँ तो टेरेस जो है हमारा रिवैम्प हो रहा है, जब फैसल आएंगे उनको मैं सरप्राइज दूंगी, वैसे भी एनिवर्सरी की डेट करीब है और एनिवर्सरी मंथ चल रहा है,
तो आई वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी. वो टैं टैं करेंगे पहले शुरू में, फिर जब देखेंगे तो बहुत हैप्पी हो जाएंगे, ये मुझे पता है. तो विद दीज प्लांट्स वी हैव प्राइवेसी, ग्रीनरी एंड क्या कहना चाहिए, एक बहुत ही पीसफुल और एक ट्रैंक्विल जो है ना, हमें एक सीरीन जगह हम लोगों ने बना दी है जिसमें बैठने का बड़ा मजा आएगा. तो डे में भी खूबसूरत लगना चाहिए और शाम में भी. तो ये देखें, अब हम इसको मैं सेट करके थोड़ा सा आपको बताती हूँ डे में हम क्या कर रहे हैं. आज दिन में तो अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. थोड़े से मुझे लग रहा है प्लांट्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे इस कॉर्नर में. एक यहाँ ये टेबल है जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स भी जब आप कलर्ड उसमें पॉट्स में डेकोरेट करके रखते हैं बहुत प्यारे लगते हैं. प्लीज और गमले मत मंगवाना. तो पेटूनिया का वैसे भी सीजन आ गया. आई लव पेटूनिया ऑनेस्टली, रेड कलर में, पिंक कलर में, लाइट में नहीं, डार्क कलर्स में. एक और मैंने स्मार्टनेस की है कि जब मैं ये सोफा सेट्स बनवा रही थी बाहर गार्डन या टेरेस के लिए, आप जब भी बनाएं मेक श्योर के साथ में उनके कवर्स भी बनवाएं. तो कवर्स भी मैंने बनवाए हैं और वो कैसे लग रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी. उसमें फ़ायदा ये है कि मिट्टी बहुत आ जाती है, कवर्स होंगे तो हमेशा दे विल बी क्लीन. कवर्स उठाए और बैठ गए. और हमारे यहाँ तो वैसे भी आउटडोर आपको पता है सबके टेरेस और गार्डन पे बहुत मिट्टी आती है, तो डस्टिंग नहीं करनी, कवर डाल दूंगी. ये ग्लास होल्डर है और कितना खूबसूरत है. पहले वाला मेरा बहुत ही ऑर्डिनरी सा था, जंग भी लग जाता है कराची में हर चीज़ को. नाइफ सेट है बहुत ही प्यारा, कभी साल में एक दफ़ा तो ज़रूरी रिप्लेस कर लें. कैंची कहाँ है इसकी? ज़ारा होम से फ्रॉम लाहौर ये सारी चीज़ें डिलीवर हुई हैं, मैंने वहाँ से परचेज की हैं बिकॉज दे हैव अमेजिंग कलेक्शन. और मेरे बेड के सेट के साथ कोई लैंप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है. दिस इज आइडियल साइज और फैसल को बड़ा अच्छा लगेगा, आई एम श्योर ऑफ दैट. पहले वाले लैंप्स कुछ ऐसे हैं और अब जब ये लैंप्स वहां लगेंगे सही मैच करेंगे विद द बेड. ये ट्रॉली है जो कि अभी सेट नहीं हो रही और क्यान खेल रहे हैं. क्यान ही एंजॉयिंग किचन में, वो जो नहीं होती ट्रॉली होती जिसमें प्याज क्या होता है वो लहसुन रखते हैं, वो चीज़ें जो बाहर ख़राब नहीं होती. तो ये उसका कोई लेटेस्ट वर्जन आया है बहुत ही क्लासी, लेकिन ये हमसे जुड़ नहीं रहा अभी. और इसकी कुछ 5 ट्रेज होंगी, ऐसी बास्केट्स होंगी और इसमें प्याज वगैरह आएगा और नीचे गिरेगा नहीं, हवा भी लगेगी लेकिन गिरेगा नहीं जो गंद पड़ता है दूसरी ट्रॉली में. पानी नहीं पीते इसमें, चावल रखते हैं. हाँ जी, इसमें चावल रख के फिर डिस्पेंस करेगा ये राइस या दाल डिस्पेंसर आप इसको कह लें. क्या आपको आपको क्या डेमो देंगे क्या इसको प्रेश करें इसे. वेरी नाइस, राइस आएगी. पानी पीने के लिए नहीं है क्या? नो सीरियसली, व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा ये देखें, ये ट्रेज हैं. अजान ही उठाएं, शाबाश. ट्रेज की भी अभी बहुत अच्छी कलेक्शन हर जगह ही आई है. आई फेल इन लव विद दीज ट्रेज. ये स्क्वायर शेप हैं, वैसे राउंड होती हैं ज़्यादा, मैं राउंड या रेक्टेंगल. देखिए ये स्क्वायर में है, यूनिक. और नीचे नॉन स्लिप इसमें वेलवेट लगी होती है तो ये पानी से ख़राब भी नहीं होती, बहुत अच्छी और स्लिप नहीं होती. इसमें कीज रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं.
मैं कीज रखूँ ये है ना, यहाँ यहाँ नहीं तो कहाँ लगेगा, इतना फॉर्मल सा है ना सब, इसके पीछे ही लगेगा मेरा ख्याल है। हाँ पीछे लगेगा इसके, ये यहाँ कुछ अच्छा लगेगा आई थिंक ये, क्योंकि यहाँ नज़र आ रहा है एकदम ड्राइंग रूम से एंटर होते, तो आई थिंक हियर। ये कितनी छोटी सी क्यूट सी चीज़ है लेकिन बड़े काम की है। ये हैंडल देख रहे हैं, इसमें आप डालेंगे बैग लाइक दिस, ये और ये गार्बेज बैग बन गया ओपन, कचरा फेंका, तो आप इस पे गार्बेज बैग लगा सकते हैं। और एक दूसरा काम क्या कर सकते हैं मुझे कीनू ने बताया, ये शाबाश मेरा बच्चा, गार्बेज बैग लगा लें या बेबी लगा लें, तो क्या कचरा रिच है। एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, जितने काम करने थे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, बड़ा मज़ा आया, सबसे मुलाकात हुई और दिल में एक छोटा सा खदशा था कि नादिया क्या कर रही होगी, और डेफिनेटली मैंने इसे मना किया था, घर का गेट मत चेंज करना, घर का पेंट मत चेंज करना, ऊपर वाली मंजिल पे एक नई बिल्डिंग एक नया कमरा मत मतलब बना देना, बट किसी हद तक जो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन फॉर श्योर कुछ चीज़ें बदल चुकी होंगी, डेफिनेटली बदल चुकी होंगी। इस वक्त यहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं और नादिया को मैंने कहा था मेरी आराम से फ़्लाइट कराना, उन्होंने कहा नहीं, उनको कुछ मैं मतलब ज़्यादा उन टाइम उनसे दूर रह रहा था, तो उन्होंने मेरी सुबह फ़्लाइट कराई है अर्ली मॉर्निंग फ़र्स्ट फ़्लाइट, जिसमें मतलब मेरे ख्याल में एयरपोर्ट आके मैंने ही खोला है ख़ुद यहाँ पर। किन्नू ने कितना तंग किया होगा नादिया को, और आई एम श्योर तंग किया होगा। ये जो नादिया आप उसको करती हैं ना लाडियाँ, ठीक है, फिर करती है मुझे फ़ोन, इसको एक वॉइस मैसेज दो कि इसने ये करना है, खाना खाना है, ये करना है, तो मैंने कहा नहीं इस दफ़ा नहीं भाई, इस दफ़ा आपने जो उसको ख़राब किया है, मतलब उसको जो लाडियों से बिगाड़ा है, इसको खुद ही ठीक करें। वेडिंग एनिवर्सरी का मंथ मना रहे हैं, मज़े मज़े की फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच जो हमारे जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, फ़ैन्स हैं, वो बहुत इनक्रेज करते हैं, दुआएँ देते हैं, और यकीन मानिए कि आप सबकी दुआएँ बहुत काम कर रही हैं। एनिवर्सरी है हमारी 20th को, एक छोटा सा सरप्राइज़ भी मैंने रखा हुआ था नादिया के लिए, जो कि फॉर श्योर वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सवाल करने हैं मुझसे, ये क्या ये किया, तो मुझे बता देना चाहिए। आज सालगिरह है अज़ान की, और ये इसलिए भी मैं जल्दी जा रहा हूँ कि आज अज़ान की एक एक्टिविटी है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने कहा जाने से पहले पहले मैं कर लूँ, गिफ्ट्स उसके मैंने पहले से अरेंज कर लिए थे, सरप्राइज़ है, लेट्स गो बैक एंड हैव अ गुड सेलिब्रेशन विद अज़ान। किन्नू अब तेरे मज़ों के टाइम ख़त्म हो गए हैं बेटा, बैक टू नॉर्मल आ जाए ज़रा आप मेरे पास, तो अब किन्नू को मैंने सब चीज़ें याद करानी है, और यार उनकी छुट्टियाँ हो गई हूँ, क्वाइट पॉसिबल। शिकायत रजिस्टर में जांच करें, शुक्रिया।